आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान। बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उरी से ये बड़ी खबर, एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। और उस पर ही इंडियन सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि भाई जैसे हम किसी को मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, वैसे ही अगर कोई आतंकवादी मिले तो उसे हम राम नाम सत्या भी करना जानते हैं। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। सबसे अहम पॉइंट इसके अंदर यह है कि उन्होंने कहा कि एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस, हमें दहशत गर्दी नहीं चाहिए। पुलिस लिबरेशन आर्मी ने एक प्रेस रिलीज निकाली, प्रेस रिलीज आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। प्रेस रिलीज में पीएलए ने बोला कि कोलवा और मुस्तांग यहाँ पर 2 जगह पर उन्होंने हमले किए थे जिसमें 3 पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए। जो इमरान खान का ये कहना है कि दोबारा 1971 हो जाएगा, 1971 इसलिए हुआ क्योंकि बंगालियों ने गुलामी सहना मंजूर नहीं किया। भारत हमेशा ये चाहता है कि रीजन में पीस रहे और प्रॉस्पेरिटी रहे जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ। तो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा कि हम तो पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। मुंबई का इल्जाम हम पर लगा, पार्लियामेंट का इल्जाम हम पर लगा। जो भी दहशतगर्द होंगे, हम जैसे मिलते हैं ना, वो हिंदू आपस में जब मिलते हैं वो कहते हैं राम राम, वो कहते हैं अगर कोई दहशतगर्द होगा जिसे वो आतंकवादी कहते हैं उसे हम राम राम सत्य भी करेंगे। नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया, यानी नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया, ये टाइटल है न्यूज वीक के इस इंटरव्यू का। 90 मिनट्स का ये इंटरव्यू जो के भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी रेजिडेंस पर न्यूज वीक के ना सिर्फ सीईओ वहां पर मौजूद थे बल्कि इसके साथ इंटरव्यू करने के लिए भी वहां पर उनके रिपोर्टर्स मौजूद थे। ये इंटरव्यू एक बहुत ही अहम इंटरव्यू इसलिए है कि ऐसा लगता है, मेरा ये कहना है कि ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि नई हुकूमत आने में कुछ दिन, इलेक्शन के नजदीक नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन में जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, और अगली हुकूमत उनके आने के ब्राइट चांसेस। तो उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि भारत में जो नई हुकूमत आ रही है, जो नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वो दुनिया के मुतालिक क्या ख्याल रखता है। और इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो मैसेज दिया है वो है पीस का। इसीलिए मैंने कहा कि मास्टर स्ट्रोक है ये, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए पीस का मैसेज दिया है। सबसे पहले पाकिस्तान पर उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि I have congratulated the Prime Minister of Pakistan on taking over office. कि मैंने तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी जब उन्होंने जो है अपना हलफ उठाया, ओथ लिया, और फिर उन्होंने कहा कि इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्ट फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन आवर रीजन इन एन एटमोसफियर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस। ये बड़ा अहम है कि भारत हमेशा ये चाहता है कि रीजन में पीस रहे और प्रॉस्पेरिटी रहे जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ। तो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा कि हम तो पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। सबसे अहम मैसेज तो ये है कि उन्होंने कहा नहीं भाई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, हम तो ऐसा चाहते नहीं है, हम तो पीस और सिक्योरिटी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। और साथ में ये कहना कि प्रॉस्पेरिटी यानी कि स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी कंट्री में याद रखिएगा स्टेबिलिटी होगी तो तभी रीजन में भी स्टेबिलिटी होगी। तो वो भी ये जानते हैं, इंडिया भी जानता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर स्टेबिलिटी रहती है तो जाहिर है कि रीजन के अंदर भी स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन जो सिचुएशन है वो तो आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इसके अंदर फिर उनका ये कहना, एक सबसे अहम पॉइंट इसके अंदर ये है कि उन्होंने कहा कि एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस, कि हमें दहशतगर्दी नहीं चाहिए। ये पीस एंड सिक्योरिटी की बात हम उस वक्त कर रहे हैं कि जब हमारे खिलाफ दहशतगर्दी नहीं होगी। दहशतगर्दी और तशद्दुद पाकिस्तान की तरफ से और फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो है इस पीस एंड सिक्योरिटी की बात को जो है वो वेलकम किया जाएगा या किया जाना चाहिए और कहना चाहिए कि जनाब बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं। और हम तो बल्कि ये मौके से फायदा उठाइए कि ये देखिए अब उन्होंने ये कह दिया है तो इस पर पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान भी मास्टर स्ट्रोक खेले तो वो ये कर सकता है कि ठीक है हम ट्रेड के लिए तैयार हैं, आपने सिक्योरिटी और पीस की बात की, आइए हाथ बढ़ाते हैं
और हम ट्रेड तैयार हैं, तो आइए हमारे साथ ट्रेड कीजिए। लेकिन आपको पता है कि वहां पे तो मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए है, कौन कौन खेलेगा मास्टर स्ट्रोक, और क्या इस मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए आपको जो ईगो है आना है वो पीछे रखना पड़ती है और आपको एक बड़ेपन का मुजाहरा करना पड़ता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब ने किया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक प्रेस रिलीज निकाली, प्रेस रिलीज आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। प्रेस रिलीज में पीएलए ने बोला कि कोलवा और मुस्तांग यहाँ पर दो जगह पर उन्होंने हमले किए थे जिसमें 3 पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक डिटेल स्टेटमेंट निकाली और बोला कि फ्रीडम फाइटर्स बलूच लिबरेशन आर्मी के उन्होंने टारगेट किया मुस्तांग का कोलवा में 2 कैंप्स को 9:30 बजे के आसपास वेंसडे को ये अटैक हुआ था। मराओ एरिया और मुस्तांग में भी अटैक हुआ, राइट। और ये भी बोला कि बीएलए फाइटर्स ने जिन्होंने टारगेट किया था वो हैवी वेपनरी के साथ किया, 2 अलग अलग लोकेशंस पे, मराओ एरिया मुस्तांग में और कोलवा में, कोई एरिया का नाम नहीं दिया गया इसमें। ये भी 30 मिनट तक फाइटिंग चलती थी। पीएलए फाइटर्स ने बोला कि कई रॉकेट्स फायर किए गए, ग्रेनेड्स फायर किए गए एनिमी पोजीशन में, 2 एनिमी पर्सनल, 3 मारे गए थे, इनफैक्ट 2 मारे गए, 4 इंजर्ड थे 1 लोकेशन पे और दूसरे लोकेशन पे 1 मारा गया। अटैक के बाद सारे के सारे जितने भी पीएलए के फाइटर्स थे या फ्रीडम फाइटर्स बोलिए, वो निकल गए अपनी लोकेशन के लिए, यानी कि अपने बेस कैंप के लिए, और पाकिस्तानी आर्मी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। खबरें ये चल रही हैं कि भारत जो है वो ऑकस ज्वाइन करने वाला है। ऑकस बेसिकली क्या है और इस पे बात करते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखें कि अगर इंडिया ऑकस ज्वाइन करता है, जो कि जिसको ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका जो हैं, इन्होंने एक समझें कि एक अनअनाउंस किस्म की एक ट्रायलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, और इसका जो मकसद है वो कहते हैं जी कि हम तमाम हुकूमतें जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंटरेस्ट में, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, एक डीपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना चाहते हैं टेक्नोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में, डिफेंस रिलेटेड साइंस में, सप्लाई चेन के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सप्लाई चेन है, इंडस्ट्रियल बेस मजबूत करनी है, ये सारी चीज़ें दे आर पार्ट ऑफ दैट, बट इन फैक्ट ये है एक मिलिट्री ब्लॉक बनाना है अगेंस्ट चाइना। इंडिया इसको अवॉइड कर रहा है। ये जो है वो अगर आपको याद हो, क्वाड भी एक ऐसा मल्टीलैटरल फोरम है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। जापान एंड इंडिया को ऑकस में नहीं डाला गया, और ये वो जो 5 आईज इंटेलिजेंस अलायंस के जो 3 बड़े मेंबर हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये, इनको जो है वो ये इसका हिस्सा बने। कैनेडा को भी नहीं डाला, न्यूजीलैंड को भी उस तरह नहीं डाला। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो ऑकस के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो डिस्कशन शुरू करना चाहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंडे, ये जो अभी कल था, कि अभी जनाब जो जिसे कहते हैं ना पिलर 2 इस सिक्योरिटी पैक्ट का, कि जी लोगों को कहें जी आएँ,